औपनिवेशिक राज की कई विरासत साल 1947 के बाद भी भारत में रही। सेंसस ऑफ इंडिया उनमें से ही एक है। आमतौर पर प्रत्येक हाफ डिकेड या डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस को राष्ट्रीय संसाधन योजना के लिए इंडिस्पेंसेबल माना जाता है। भारत में हर डिकेड में सेंसस की जाती है तथा 2021 की सेंसस देश की 16वीं नेशनल सेंसस होगी। हालांकि हम 2021 के मध्य में हैं, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सेंसस की प्रोसेस शुरू होने का कोई संकेत नहीं है। चूंकि सेंसस पॉलिटिकल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस और डेवलपमेंट गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सो इसमें देरी करने पे प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। साल 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया था तथा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और इसके अधिकारियों को ब्रिटिश मोनार्की के अधीन ट्रांसफर कर दिया गया था। इस समय तक ब्रिटिश मोनार्की ने भारत पर तकरीबन फुल कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए यहाँ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सेंसस कराने की मांग की क्योंकि वो ब्रिटेन में साल 1801 से ही सेंसस कर रहे थे। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑफिस ने साल 1881 में पहली बार भारत में सेंसस पूरी की। जबकि सेंसस का ऑब्जेक्टिव भारतीय संसाधनों और भारतीयों का अधिकतम दोहन करना था, एक बार डेटा अवेलेबल हो जाने के बाद इसे वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर ग्रुप्स के द्वारा उपयोग किया जाने लगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन की योजना बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने इसका उपयोग सड़क नेटवर्क की योजना बनाने के लिए किया और कई प्लानर्स ने इसका उपयोग पावर प्लांट्स, ट्रक लाइनों और रेलवे लाइनों के लिए किया। जैसे ही डेटा के उपयोग से बुनियादी ढांचा बनना शुरू हुआ, इससे बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन का ट्रांसफर शुरू हुआ तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह शहर तेजी से डेवलप हुए। भारत अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए पहचाना जाता है और सेंसस सिटीजन्स को अपनी सोसाइटी, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा के माध्यम से इस डाइवर्सिटी और नेशन से जुड़े पहलुओं को स्टडी करने का मौका देती है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए योजना बनाने और नीतियों के निर्माण के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तथा नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं, स्कॉलर्स, मर्चेंट्स, उद्योगपतियों और कई अन्य लोगों द्वारा व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। साल 2026 में वर्तमान लिमिटेशन पीरियड समाप्त होने पर लोकसभा में पॉलिटिकल बैलेंस बदल सकता है। यदि 2021 में सेंसस नहीं होता है तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट के सबसे खराब रिकॉर्ड वाले स्टेट्स, खास करके उत्तर भारत की संसद में रिप्रेजेंटेशन में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इसके अपोजिट साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नुकसान होगा। फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के आधार अधिक कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, किंतु पॉपुलेशन इस मामले में डिसाइडिंग रोल प्ले करती है। कोविड 19 के बाद की अवधि में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। सेंसस प्लानर्स को इससे प्राप्त आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे किसे कितना प्रॉफिट होगा। इसलिए सेंसस के महत्व को देखते हुए कुछ उपायों को ध्यान में रखते हुए 2021 के दशकीय सेंसस को समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। कवरेज में आने वाली एरर्स और सर्वे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाकर एवं उन्हें और अधिक क्लासिफाइड कर एरर्स को कम किया जा सकता है। यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के डिस्कशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इन्यूमरेटर्स यानी डेटा कलेक्टर एंड ऑर्गेनाइजर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही डेटा कलेक्टर्स को इंस्पायर करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से पेमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि वे डेटा कलेक्शन का सेंटर पॉइंट है और एक्यूरेसी ऑफ डेटा को सुनिश्चित करते हैं।